दोस्तों, अगर आपने न्यू लैपटॉप परचेस किया है तो आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप में सिंगल ड्राइव ही आपको दिया जाता है। अगर आप इसमें मल्टीपल ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि सी डी ई एफ, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दिस पीसी पे जाना होगा, राइट माउस क्लिक करना है आपको और जाना है आपको यहाँ पे मैनेज पे, आपको क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट है, इस यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आप अपने हार्ड ड्राइव को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, या तो फिर इसका दूसरा तरीका है कि आपको कमांड में जाना है, रन में जाना है। रन में जाके आपको टाइप करना है डिस्क mgmt.msc। ये कमांड आप जैसे टाइप करेंगे आपके पास यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का जो टैब है वो खोल के आ जाएगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइव है। इस पर आपको राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम कर देना है, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही ड्राइव था तो इसको मैं मल्टीपल ड्राइव में डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कितने स्पेस का ड्राइव बनाना है, पार्टीशन क्रिएट करना है। तो आपको जितने भी ड्राइव GB का पार्टीशन क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, MB में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको श्रिंक कर देना है। इससे क्या होगा कि आप जितने GB का सी ड्राइव रखना चाहते हैं और जितने GB का आप क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे बन के आ जाएगा अनअलोकेटेड स्पेस में। तो यहाँ पे आपको न्यू पे क्रिएट करना है, नेक्स्ट पे क्रिएट करना है, और आप जितने GB का चाहे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंगल ही पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। इसका आप नेम दे दीजिए, DEF जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कीजिए, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा पार्टीशन और क्विक फॉर्मेट पूछेगा, तो आपको टिक मार्क करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, फिनिश करना है। फिनिश करने के साथ ही ये आपका एक नया पार्टीशन क्रिएट हो गया है, ड्राइव क्रिएट हो गया है। तो अब आपके लैपटॉप में दो ड्राइव हो गए, एक सी ड्राइव हो गया है, एक मैंने नया ड्राइव क्रिएट कर लिया है दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी अपने लैपटॉप में मल्टीपल ड्राइव पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से राइट माउस क्लिक करके स्टेप को आप फॉलो कीजिए, और यहाँ से फिर से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे अनऑलोकेटेड स्पेस कर दीजिए, और फिर से ये एक फ्रेश आपके पास फ्री स्पेस आ गया। अब इसमें आप मर्ज करना चाहते हैं तो फिर से सी ड्राइव को आप इंक्रीज कर सकते हैं। सेम आपको ये स्टेप फॉलो करना है, और इसके साथ आप अपने लैपटॉप में, नए लैपटॉप में मल्टीपल ड्राइव क्रिएट पार्टीशन कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।